जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल कि लब आजाद हैं तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। आज वाकई शब्द नहीं है मेरे पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब तक उत्तर प्रदेश में जिस तरह की अराजकता जारी उस पर खामोश क्यों हैं? खामोशी तो बहुत दूर की बात है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त जिस तरह की अराजकता उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर जारी है, कानून व्यवस्था को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगी आदित्यनाथ से अब तक फोन पर भी बात नहीं की है, और मैं जानना चाहता हूं क्यों। आज मैं अपने पूरे होशो आवास में पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। मैं आपको बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, और मैं ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि 83 फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स ने इस वक्त गवर्नेंस के नाम पर जिस तरह की अराजकता, जिस तरह की गुंडागर्दी मुख्य धारा में प्रवेश कर चुकी है, उस पर इन फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस्तीफे की मांग की है। मैं उसकी बात कर ही नहीं रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के रवैये की, मैं बात कर रहा हूं उनके प्रशासन के रवैये की, मैं बात कर रहा हूं उनके एमएलएस की बर्ताव की, और मेरी इस पेशकश में आप इस बात को बहुत आसानी से समझ जाएंगे। सबसे पहले तो जब विधानसभा में इस बात को लेकर आलोचना हुई तो क्या आप जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा? योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो लोग ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं वो दरअसल अपनी असफलताएं छिपा रहे हैं बुलंदशहर हादसे में। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें सरकार की सराहना करनी चाहिए मगर वो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तो पहले तो मुझे यह बताइए योगी आदित्यनाथ जी कि कुछ दिनों पहले तक बुलंदशहर आपके लिए हादसा था, एक एक्सीडेंट था, अब आपके लिए वो एक राजनीतिक साजिश हो गई। क्या आपको अंदाजा है योगी जी कि आप इस वक्त गवर्नेंस के नाम पर लोगों के साथ कितना बड़ा मजाक कर रहे हैं? दोस्तों आज मैं आपके सामने दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं, और ये दोनों ही तस्वीरें बहुत दिल दुखा देने वाली हैं। सबसे पहली तस्वीर आगरा की, इस लड़की, इस मासूम लड़की, स्कूल जाने वाली लड़की जिसे पेट्रोल छिड़क के दो लोगों ने मौत के घाट उतार दिया। आज सुबह उसकी दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में मौत हो गई। मैं जानना चाहता हूं कि नारी सुरक्षा को लेकर जो आपने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे वो वादे इस वक्त कहां हैं? मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग क्या कह सकते हैं कि साहब हर गली में जो अपराध हो रहा है उस पर सरकार कैसे काबू पाएगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरह की जो घटनाएं थी, इसी तरह की एक एक घटनाएं थी, जो तस्वीरें सामने आ रही थी जिसके चलते हमने लालू के राज को जंगल राज बताया था, जिसके लेकर हमने अखिलेश की जो पूरी कार्यशैली है उसको लेकर हमने उनके पहले 3.5 साल की आलोचना की थी। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, इस लड़की के दर्द को देखिए, वाकई मेरे पास शब्द नहीं रह जाते हैं। यह लड़की आज हमारे बीच नहीं है। दुख की बात यह है दोस्तों कि लड़कियां इस वक्त उत्तर प्रदेश में कई जगह पर बेबस दिखाई दे रही हैं। अपनी इज्जत के लिए इन्हें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निवास स्थान के बाहर धरना देना पड़ता है, और जब इनका अपना एक विधायक कुलदीप सिंह सेंगर गैंगरेप के मामले में पकड़ा जाता है और पॉक्सो जैसे संवेदनशील एक्ट लगने के बावजूद, धारा लगने के बावजूद 24 घंटे तक उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं करती है, और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो कहते हैं माननीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर, दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर को लेकर किस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अब मैं आपको यह वीडियो दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे किस तरह से योगी सरकार में विधायक उदयभान सिंह एक महिला एसडीएम, एक महिला नौकर शाह को धमका रहे हैं, और इस तस्वीर को देखने के बाद आपको ऐसा लगेगा मानो आप 1980 या 90 की दशक की कोई बी ग्रेड हिंदी फिल्म देख रहे हैं जहां पर एक खलनायक एक बहादुर महिला अफसर को धमका रहा है। देखिए, मालूम नहीं मैं विधायक हूं, बहुत बिगड़ जाएगी।
आप मेरे से हेटरी बात करेंगे? मेरी ताकत का एहसास नहीं है? लोकतंत्र के ताकत का एहसास नहीं है? पीछे हो जाओ अभिषेक, एक नौका आप जानते हैं सबसे चिंताजनक बात क्या है इस वीडियो के बारे में? सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसमें आप देख सकते हैं कि यह विधायक किस तरह से धमका रहा है एक महिला को। इसके बाद आसपास जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी कार्यकर्ता खड़े हुए हैं वो किस तरह से नारेबाजी लगा रहे हैं। और हमें यदि भूलना चाहिए कि बुलंदशहर में इसी तरह से एक बहादुर पुलिस ऑफिसर को लिंच कर दिया था भीड़ ने, और यहां पर तो माननीय विधायक अराजकता की नुमाइंदगी कर रहे हैं। क्या आप सुबोध कुमार सिंह को भूल गए? क्या इस तरह से आपके अपने विधायक कानून में दखल डालेंगे? अरे ये पुलिस, ये प्रशासन आपका ही तो है और आप उसके खिलाफ ही चल पड़े हैं। और ऐसे में क्या इस अराजकता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खामोश रहना सही है? क्योंकि जो बात 83 ब्यूरोक्रेट्स कह रहे हैं दोस्तों, ये अपने आप में बहुत गंभीर है। मैं आपको बताना चाहूंगा उन्होंने क्या कहा है। इन्होंने कहा है कि बुलंदशहर हादसा ये बताता है कि भारत का जो सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है उसमें गवर्नेंस के जो बुनियादी सिद्धांत हैं, इसके अलावा सामाजिक व्यवहार, इंसानी सामाजिक व्यवहार के जो तकाजे हैं और साथ ही संवैधानिक मान्यताएं हैं, उन्हें किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत गुंडागर्दी, हुलिगनिज्म एंड ठगरी हैव बिकम मेनस्ट्रीम। ये तमाम चीजें जो हैं वो मुख्य धारा हो गई हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इन 83 ब्यूरोक्रेट्स में जिन लोगों ने दस्तखत किए उनमें से पूर्व विदेश सचिव सुजाता सिंह, फॉर्मर दिल्ली के एलजी नजीब जंग, प्रसार भारती के सीईओ जवाद सरकार और इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर शिव शंकर मेनन, फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी श्याम सरन, ये तमाम लोग हैं जिन्होंने सीधी उंगली उठाई है योगी सरकार पर। अब आप क्या कहेंगे इन ब्यूरोक्रेट्स के बारे में? ये वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जिन्होंने देश विदेश में जाके भारत का नाम रोशन किया। अब क्या आप इन ब्यूरोक्रेट्स को एंटी नेशनल कहेंगे? क्योंकि जो पत्रकार आप लोगों से सवाल करते हैं आप न सिर्फ उनके खिलाफ गलत और गंदा प्रोपेगेंडा चलाते हैं बल्कि आप उन्हें एंटी नेशनल भी करार दे देते हैं। मगर आप इन ब्यूरोक्रेट्स का क्या करेंगे? और क्या आप जानते हैं कि जब इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया मांगी गई योगी आदित्यनाथ की तब उन्होंने क्या कहा? वो कहते हैं कि बुलंदशहर की घटना एक साजिश थी और साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। यह साजिश वही लोग कर रहे हैं जिन लोगों ने प्रदेश में जहरीली शराब बनाकर यहां के निर्दोष लोगों को मारने का प्रयास किया था। यह राजनीतिक षड्यंत्र था और राजनीतिक षड्यंत्र वो लोग करते हैं जो कायर हैं। कायर कौन है मैं आपको बताता हूं योगी आदित्यनाथ। कायर वो लोग हैं कि जब एक परिवार एक त्रासदी से गुजर रहा हो, जब सुबोध कुमार सिंह की मौत हो जाए और जब हम उसकी विधवा को और उसके बच्चों को अपने घर बुलाते हैं और न सिर्फ उसे अपने घर बुलाते हैं बल्कि 4 मीटर दूर रखते हैं, जब लखनऊ में एक पुलिस वाला विवेक तिवारी नाम के शख्स को कथित तौर पर गोली मार देता है और उनके परिवार को भी इस तरह से मिला जाता है जैसे कि आप एहसान कर रहे हैं, यह कायरता है, यह है अपनी जिम्मेदारी से बचना। मगर आप नहीं समझेंगे, ना आप समझेंगे ना आपकी प्रोपेगेंडा मशीनरी समझेगी, क्योंकि इस वक्त जो हो रहा है एक बहादुर ऑफिसर की मौत हो जाती है मगर आप कहते हैं कि हमारी जो जिम्मेदारी है वो क्या है? हमारी जिम्मेदारी है कि भाई गौ को किसने काटा। सुबोध कुमार सिंह का बेटा कह रहा है कि अब तक बजरंग दल के उस नेता को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, और ये योगेश ठाकुर जो अपनी दाढ़ी छिलवाकर अब क्लीन शेव होकर आराम से प्रेस को बयान दे रहा है मगर इसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। I don't understand why the people who are still absconding and they are releasing the video and they are claiming that they are innocent, then if they are innocent then why they are not surrendering? ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों? क्या योगेश ठाकुर को पुलिस संरक्षण दिया जा रहा है? मैं जानना चाहता हूं क्या पुलिस संरक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है और मेरे सोर्सेज इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस शख्स को किसी और का नहीं बल्कि योगी सरकार का संरक्षण है।
बुलंदशहर यकीनन एक साजिश थी योगी जी, मगर साजिश बहुत ही खतरनाक थी। साजिश बहुत ही खतरनाक थी क्योंकि जिन जिन लोगों को आपने पकड़ा, जिनमें कुछ मासूम मुस्लिम लड़के थे, नाबालिग मुस्लिम लड़के थे, उन सबको आपको छोड़ना पड़ गया। यह है आपके जांच की हकीकत। मगर मोदी जी, आप तब भी खामोश रहेंगे, आप तब भी उत्तर प्रदेश के इस वहशत को, आप इसे जंगल राज नहीं कहेंगे, मगर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल के लब आजाद हैं तेरे में इसे जंगल राज करार देना चाहूंगा। उम्मीद है आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, और आपसे मेरी अपील है कि बोल के लब आजाद हैं तेरे कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।